मजलिस क्या करी, मक्का मस्जिद के धमाके हुए थे हैदराबाद में, मालेगांव का धमाका हुआ आपका, इन सब धमाकों में हैदराबाद के बच्चों को भी उठाया गया था। अजमेर शरीफ की दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज की, वहां पे भी धमाके, वहां से भी बच्चे उठाए, हैदराबाद के भी उठाए। अरे हैदराबाद के बच्चे उठाए, हैदराबाद आंध्रा की असेंबली में मैं खड़ा रहकर तकरीर किया और जो मुंह में आया कहता गया, ऐसा बोला हूं कांग्रेस को कि कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर उठकर आंध्रा की असेंबली में खड़े होकर कहता है कि अकबर ओवैसी साहब, मैं सिर्फ आपसे नहीं बल्कि रियासत आंध्र प्रदेश के सारे मुसलमानों से माफी मांगता हूं कि मैंने बेकसूर मुसलमानों को पकड़ा है। अरे ये हमारा कारनामा है। मैंने उठकर कहा कि चीफ मिनिस्टर, सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, इन बच्चों की जिंदगियां खराब हो गई। तो बोले क्या चाहते हो? मैंने कहा कि इनको एक सर्टिफिकेट देना कि इनका कैरेक्टर अच्छा है, ये अच्छे बच्चे हैं। इनको पैसा देना कारोबार के लिए, सर्टिफिकेट दिया गया कि ये बच्चे बेकसूर हैं, अच्छे हैं, ना इंसाफी हुई, और 2 लाख रुपए एक एक बच्चे को दिए गए कारोबार शुरू करने के लिए। ये मजलिस है, अगर महाराष्ट्र में मजलिस आ जाएगी तो अबू आसिम ऐवान असेंबली में तमाचा या थप्पड़ नहीं आएगा, बल्कि महाराष्ट्र की असेंबली में अगर अकबरों ऐसी होगा तो उनको मारेगा और उर्दू में हड़प लेगा। एक मुसलमान हलफ लेने जाता है तो माइक खींच लेते हैं, अरे आंध्रा में आओ ना, बड़े ठाकरे हैं कहां के ठाकरे फाकरे, आओ मैं तुम्हारे पास आया हूं, हिम्मत है तो तुम मेरे पास आओ, बताता हूं। अगर मजलिस होगी ना, अगर मजलिस ऐवान असेंबली में होती महाराष्ट्र की, तो किसी मां के जने में हिम्मत नहीं है मुसलमान के खिलाफ आवाज उठाने की। अरे ये जमात की ताकत है, मजलिस की ताकत है। अरे हम असेंबली में खड़े होते हैं ना, 294 है, 294 पूरे एमएलए हैं, उसमें से सिर्फ 7 मुसलमान हैं, शेरवानी वाले सिर्फ 7 हैं, लेकिन देखो 290 पे भारी है ये। इस वास्ते कहते एक मियां भाई 10 पे भारी है, समझे? इस वास्ते बोलते हैं एक मियां भाई 10 पे भारी है।